नौबतपुर में हनुमंत कथा समाप्त हो चुकी है। बाबा बागेश्वर ने तमाम लोगों को कथा सुनाई और इसका लाभ लोगों को मिला है और लाखों की तादाद में नौबतपुर में लोग पहुंचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब घर जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको पंडाल की थोड़ी स्थिति भी दिखाते तस्वीरों के माध्यम से कि अब बहुत गिने चुने लोग बचे, दूर दूर से लोग आए हैं जिनको घर जाना है, तो लोग कल जाएंगे या फिर हो सकता है कि रात को निकलेंगे। कहाँ से है बाबा जी? विक्रम से। 5 दिन के हनुमंत कथा दे तमाम आयोजन पूरा हो चुका है। अच्छा ये बताइए व्यवस्था कैसी रही, क्या लगा, प्रशासन का सहयोग दिखा आपको? हाँ बहुत अच्छा है। हम पहले दिन आए हैं। मतलब अंतिम दिन आए कथा के? आज अंतिम दिन आए हैं। तो कथा के जो आप चीजें देख पा रहे हैं, खाना पीना रहना, ये सारी व्यवस्था आपको ठीक लगी है? ये सब यहाँ व्यवस्था तो ठीक है, कोई दिक्कत ना है। जैसे क्या नाम दादी? हमारा शारदा देवी। बाबा के दर्शन के लिए दूर से आई है। अच्छा ये बताइए, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं, घर में तो बहुत कुछ मिल जाता है, यहाँ खेत में हो रहा है आयोजन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग सोचे थे कि कब पहुँचेंगे, लेकिन भगवान की इनका कृपा है बालाजी की, यहाँ पहुँचवा दिया। आज हम लोग दर्शन कर लिए, जैसे की दर्शन हो गया। हाँ बहुत खुशी, बहुत खुशी। गाँव भी एक बार जब हुआ था, गुरु गोरखनाथ वहाँ गोरखरी, अच्छा तो वहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। हाँ। तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश जहाँ जोगी लोग सिद्ध होते हैं, दूसरा का स्थान गोरख, तो वहाँ भी बहुत बढ़िया गोरखनाथ का मूर्ति है। हाँ। वहाँ भी कथा सुनी आपने? हाँ वहाँ तो यज्ञ हुआ था, श्रीमद भागवत कथा माने हुआ, लगे 5-6 महीना हुआ। अच्छा। बहुत अच्छा है। जैसे ऐसे आयोजनों का आपको अनुभव है? व्यवस्था यहाँ भी बहुत अच्छा बुझा रहा है, कोई दिक्कत न है। जैसे कहाँ से आई दादी? अरवल जिला के हैं। अच्छा। बम्बई गांव है, उसरी बम्बई, बम्बई गांव। हम 10 बरस से लोट हो गए, बहुत दिखाए सुनाए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। अब हमको 2 गो मिल के चघाते हैं, 2 गो उतारते हैं। हाँ। तनी खाली क्रियाक्रम घुसू के चलते हैं, तो क्रियाक्रम कैसे कर लेते हैं। बाबा के दरबार में आई दर्शन हुआ? नहीं, बाबा के दरबार में तो हम कैसे जाए, हम कहाँ देख रहे हैं, तो मार तो हो रहा था, तो हमको बाह है, हम कैसे जाएं, आए हुए हैं तो 13 तारीख से, खाली 13 तारीख से आप आए? 13 तारीख से आए हैं, बाबा के दरबार देखे। हाँ। तो देखे तो वहाँ तो देख रहे थे कि मार हो रहा है, तो हमको बाह है, हमको तो अब चाप देगा सब। भीड़ का आलम ये है कि ये 13 तारीख से है, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पाया? ना, दर्शन नहीं हो पाया है, नहीं। लेकिन यहाँ आके कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, लग रहा है कि भगवान से हमको दर्शन, घर परिवार सब बोल रहा है ना कि काहे के लिए जान दे रहे हो, वहाँ काहे के लिए जान दे रहे हो, हमके जान चल जाएगा तो धाम पर जाएगा, बोले हम सब परिवार, क्योंकि नहीं हम आ रहे हैं लिया नहीं, हम कि नहीं हमको मत ले आओ, जब समाप्त हो जाएगा तो आप ले आइएगा। हाँ। हम जाएंगे, हम मर जाएंगे तो बाबा के दर्शन धाम पर मरेंगे। नहीं आप मरिए नहीं, आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। काके जो बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए तकलीफ दुख में भी लोग, विकलांगता में भी लोग, दिव्यांगता में भी लोग बाबा के दरबार पहुंचे हैं। हाँ। कई लोगों को दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी खुश हैं कि कम से कम दरबार तक पहुंचे। कम एथी दिए, बरसाएं। हाँ। अमृत बरसाएं, बाबा मुट्ठी बांध के दिए सबको, एथी किए तो सब हम लोग मुट्ठी बांध के गोड़ लगे प्रणाम किए, सब किए, आस्था में शामिल हुए। हाँ शामिल, हाँ आस्था में शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यवस्थाएं कैसी रही यहाँ पर? अच्छी है, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। खुशबू कहाँ से आई आप? हम दानापुर से आए हैं। दानापुर से आई हैं, तो आज ही आपने यहाँ पे जो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं देखी हैं, बताइए आपको कैसी लगी हैं यहाँ पे व्यवस्था? अच्छा है, ठीक लगा। हाँ ठीक है। कई लोग शिकायत कर रहे थे कि बहुत दिक्कतें हुई है, जैसे कि बैठने के लिए जगह कम पड़ गई, बैठने के लिए उसके लिए दिक्कत है। वो बैठ जाए। देखिए ये भैया 5 दिन से इसी पंडाल पर ये रह रहे थे और 5 दिन से बच्चा बच्चा भी लेकर पहुंचे। कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिला से। मुंगेर से आए, तो 5 दिन आप यहाँ रहे नौबतपुर में, कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको, क्या कमी रही, क्या ठीक रहा? व्यवस्था तो ठीक रहा, थोड़ा सा पानी प्रॉब्लम, पानी की किल्लत हुई है। हाँ, अच्छा। और धूप वगैरह में जो ये शेल्टर वगैरह थे, ये आपको जगह मिल गई बैठने की? हाँ हमको आराम से मिला है, सब कुछ मिल गया था। अच्छा ये पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था आपको दिखी यहाँ पर, जो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई बार दिखा कि चोरी वगैरह हो रही थी, महिलाओं की, कह रहे थे चेन वेन खोज चुरा रहे थे, व्यवस्था है, चोरी हो। मैडम देखो हमको बच्चा वहाँ विकलांग है, बाबा से आए दर्शन करने के लिए, नहीं चलता फिरता है बाबा मेरा, हमको पति गुजर गए कोरोना में, एगो सहारा ला गए, हम का करें, बाबा के दर्शन करने आए हैं, कैसु बाबा हमको बच्चा के कैसु सही कर दे, तो उसका चरण में हम जो मांगे जो पूरा कर देंगे बाबा के।
बाबा के दर्शन नहीं हुए आपको? नहीं नहीं हुआ है मैडम। बाबा के दरबार में लाखों लोग अर्जी लगाते हैं, आपकी अभी स्वीकार नहीं हुई है? नहीं आखिरी नहीं, आज तो ऐबे किए हैं, मालूम हमको पड़ा है मैडम। ये बहुत रो रहे हैं क्योंकि इनको उम्मीद थी कि अर्जी लगेगी लेकिन अर्जी नहीं लग पाई है। तो आगे और कहीं जाइएगा बाबा का? आगे धाम छतरपुर में लगता है, वहाँ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे मैडम, बाबा हमको पूरा कर देंगे तो हम तो जहाँ खुशी है जहाँ चल जाएंगे। मेरा बाल बच्चा हमको चलने लगा तो हम बहुत खुशी हो जाएगा। 5 दिन से यहीं रुकी थी क्या आप? नहीं हम आज आए किए, हमको मालूम पड़ा आखिरी दिन ही आई हैं। अच्छा अच्छा, देखिए 5 दिन से आई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये माता जी अपनी अर्जी लेकर पहुंची हैं, तो देखिए अंतिम दिन है तो अंतिम दिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और 5 दिन से हैं, क्या व्यवस्था मिली आपको यहाँ पे? ठीक लगा कुछ? हाँ ठीक तो लग गया। खाने में क्या क्या दिया? सब्जी भात मिला खाने के लिए। खाने में स्वाद था, ठीक था? हाँ ठीक था, खाना तो ठीक है दिया है। हाँ पानी वानी अच्छा था? ठीक है। अब महिलाओं की जो शौचालय, नहाना धोना सब कुछ ठीक है, बढ़िया लगा? हाँ। परेशानी हुई नहीं है? नहीं परेशानी। पाँचों दिन बढ़िया से रह लिया? हाँ पाँचों दिन। कहाँ से आई हैं? हम नवादा जिला से आए हैं, नवादा से। हाँ तो देखिए नवादा से आए, 5 दिन बढ़िया से रहे। देखिए ये तो ये पूरा परिवार है, ये 5 दिन रुका था, अब आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन में ये लोग भी अब व्यवस्थाओं पे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग समस्तीपुर जिला महोदिया क्षेत्र से। 5 दिन यहाँ पर रुक लिया आप लोग? हाँ रुके हैं, बाबा को अर्जी लगेगा तो भेंट हो जाएगा, जरूर है। 5 दिन आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी, रहना खाना पीना? मगर ये फायदा उठाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। आप जो है बेगर मेहनत को चाहिएगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चलिए क्या नाम है आपका? अच्छा चुरमा रही है, ले जा रही, कोई बात नहीं। क्या नाम बेटा आपका? राजनंदन कुमारी। तो 5 दिन यहाँ पर रुक गई तुम? हाँ। खाना पीना रहना बढ़िया मिल गया? हाँ। परेशानी हुई? नहीं। थोड़ी बहुत तो हुई होगी ना? नहीं हुई। बाबा की आस्था में सब अच्छा है? चलो अच्छा है। अठवा पास हो गया, अठवा पास हो या अजय? हाँ इतनी हो गया, इससे बैठ गया आप रूपी एकदम। तो देखिए ऐसे जो बच्चे जिनके शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी है, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, या जिनका दिमाग जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, ऐसे बच्चों की तादाद इस पंडाल में 5 दिन बहुत ज़्यादा थी। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को लेकर लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे और चाहते थे कि एक बार उनको बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के चक्कर लगाकर वो लोग थक चुके थे। व्यवस्थाओं की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, बहुत सारे लोग खुश नज़र आए। कुछ परेशानियां लोगों को ज़रूर हुई क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की पहुंची, लाखों लाख लोग पहुंच गए थे। अनुमान था कि 3 से 4 लाख लोग पहुंचेंगे लेकिन 10 लाख संख्या पार कर चुकी। ऐसे में व्यवस्थाएं कुछ कम पड़ी, प्रशासन की तरफ से लोगों ने कहा कि सहयोग बिल्कुल नहीं मिला। कड़े धूप में लोग काम करते दिखे लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी बहुत कम नज़र आई, ये सारी शिकायतें लोगों ने करी। तो तमाम तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई हैं। फिलहाल अब कथा का समापन हो चुका है तो नौबतपुर की धरती में हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है। तो यहाँ से खड़े होकर हमने ये जो है यहाँ की जो आखिरी खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस और अन्य खबरें मुद्दों पर हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।